हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला उनको मौला कहना, ये लफ्ज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद से साबित है। कितनी ही सही अहादीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदना अली को मौला कहने पर दलालत करती है, और अली को मौला कहना आपकी जाते वाला सिफात को मौला के लकब से याद करना, ये सिर्फ तशय्यो और रवाफिज का मामूल नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मशाइख अजल से अब तक सैयदना अली को मौला के मुबारक लकब के साथ याद करते रहे। अरे उस लकब से बढ़कर कौन सा मुबारक लकब और हो सकता है जिस लकब के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली को खुद मुलक्कब फरमाया था। हदीस पाक में आता है और बेशतर कुतुब में हदीस पाक मौजूद है। सिहाय सित्ता के मुसन्नफीन में से इमाम तिर्मिजी ने उसको रिवायत किया सैयदना जैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु से। इसी तरह मुस्तदरे के हाकम में रिवायत है, वो भी सैयदना जैद बिन अरकम से मरवी है। इसी तरह शरा मुश्किलुल आसार इमाम तहावी में रिवायत मौजूद है। इसी तरह सुननुल कुबरा लिन निसाई में मौजूद है। बेशतर कुतुबे अहादीस और कुतुबे सीरत में और कुतुबे खसाइस में इमाम नसाई की किताब खसाइस अमीरुल मोमिनीन, उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें विलायत अली की इस रिवायत को जिक्र किया गया। रिवायत का मजमून बेशतर कुतुबे अहादीस से रिवायात को जमा करने के बाद कुछ इस तरह बनता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा फरमाया और हज के बाद आप मक्के से मदीने की तरफ लौट रहे थे, और जब वो मुकाम आया जिसको गदीर खुम कहा जाता था, उस पर आपने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और एक बड़ा तवील खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया, लोगो मैं एक खुदा का बंदा हूं, और मुझ पर अगर खुदा का फरिश्ता आएगा जो मेरी रूह कब्ज करेगा तो मैं दाईये अजल को लब्बैक कहूंगा, और सुन लो मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अपनी किताब कुरान पाक छोड़कर जा रहा हूं, एक अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, और मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में खुदा याद करवाता हूं। और इसको तो इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया और मुस्तदर के हाकिम में इसके बाद भी अल्फाज हैं। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता के हौज पर मेरे पास पहुंच जाएंगे, और फरमाया कि मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के पास बाप में खुदा को याद करवाता हूं, और खुदा देखेगा कि तुम मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ किस तरह का सलूक करते हो। सुम्मा अखज़ बियद अलीन, फिर आपने सैयदना अली के हाथ को पकड़ा और बुलंद फरमाया और फरमाया मन कुंतु मौलाहू फहाजा वलीयुहू, फरमाया जो मुझको अपना मौला मानता है, जो मुझको अपना मौला मानता है, जो मुझको अपना महबूब रखता है, तो ये अली जो है ये भी उसका वली है, ये भी उसका मौला है। और तिर्मिजी के अल्फाज हैं मन कुंतु मौलाहू फअलीयुन मौलाहू, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मुस्तदरक हाकिम में ये अल्फाज हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि जिस अल्लाह मेरा मौला है, मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज हैं, फरमाया अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमनों का मौला हूं, और अली भी उसका मौला है कि जो मुझे अपना मौला समझता है। लफ्ज मौला को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली के बारे में कई दफा इरशाद फरमाया। यही वजह है कि तमाम आइम्मा अहले सुन्नत, तमाम आइम्मा इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हजरत सैयदना अली की शान में विलायत की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह रिवायत सेहत के मर्तबा तक पहुंची। हत्ता के बहुत से अहले इलम ने इस रिवायत के मुतवातर होने का दावा किया, बहुत से अहले इलम ने इस रिवायत के हद तवातर तक पहुंचने का दावा किया। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में फरमाते हैं कि इस रिवायत के बहुत सारे तुरक हैं, कुछ के हिसाब से ये हसन है, कुछ के एतबार से ये सही है। इसी तरह इमाम तिर्मिजी ने भी इस रिवायत को हसन फरमाया। मुस्तदरक के हाकम में इमाम हाकम नेशापुरी रहिमहुल्ला ने मुस्तदरक में इस रिवायत को सही उल इस्नाद फरमाया, और इमाम ज़हबी
ने भी इस रिवायत को सही फरमाया और इमाम ज़हबी की तस्हीह को हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में जिक्र फरमाया। इसी तरह गैर मुकल्लदीन के बहुत बड़े आलम और इस जमाने के बहुत बड़े जय्यद और बहुत बड़े अजल उलमा में से अल्लामा अल्बानी ने भी सिलसिलतुल अहदीस सहिया में मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु इस रिवायत को दर्ज किया। और इब्ने तैमिया ने जो इस रिवायत पर एतराज किए थे उन एतराज को रद्द किया और वाजे कर दिया कि विलायत अली के बाब में मेरे आका अली सलातुल्लाह का ये फरमान आलीशान पाया सबूत को पहुंचता है, ये रिवायत सही होली सनाद है, इस रिवायत में कोई सुकम नहीं है, इस रिवायत में किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। तमाम शुबहात को उस गैर मुकल्लद आलम अल्लामा अल्बानी ने रद्द कर दिया और मर्दूद ठहराया। इस रिवायत से यह साबित हुआ कि मौला अली हर उस शख्स के मौला हैं जिस जो रसूल पाक को अपना मौला मानता है। अब ये एक तरीक़ाकार बन गया, अब ये एक तरतीब समझ में आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया ये इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह जिसका मौला मैं उसका मौला और जिसका मैं मौला अली उसके मौला। मोमिनीन ज़ीवकार, अजीज़ान ज़ीवकार, अहले इस्लाम, हमारी खुशकिस्मती है कि हम सैयदना अली को दिलो जान से अपना मौला तस्लीम करते हैं, हम सैयदना अली की विलायत को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, क्योंकि अली की विलायत अली की मोहब्बत को मुस्तलजिम है, अली की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत को मुस्तलजिम है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत को मुस्तलजिम है। और इसी तरह जो खुदा से मोहब्बत करता है वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है वो मुर्तज़ा से मोहब्बत करता है। और गोया ये एक सिलसिला बन गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली की मोहब्बत को ईमान करार दिया और फरमाया, सैयदना अली खुद इस हदीस पाक के रावी हैं, सही मुस्लिम में है, किताबुल ईमान में है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने मुझसे ये अहद लिया था कि अली मेरा तेरे साथ ये अहद है, ये पक्की बात है कि तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन रखेगा, तुझसे मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला रखेगा और तेरा बुग्ज सिर्फ मुनाफिक रखेगा। हम खुदा सुबहानहु व ताला की बारगाह में इस बात से पनाह मांगते हैं कि हमारा शुमार मौला अली के मुआनेदीन में हो, मौला अली के मुबग़िज़ीन में हो, मौला अली की शान छुपाने वालों में हो, मौला अली की शान घटाने वालों में हो। और हम खुदा से इस बात पर मुल्तमिस हैं, इल्तजा करते हैं, दुआ करते हैं कि मौला हमें जब मौत दीजियो तो इस हाल में दीजियो जैसा कि सादी ने फरमाया था, खुदाया बहक्के बनी फातिमा के बर कौले इमा कुनी खातिमा, अगर दावा तमरद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामा ने आले रसूल। हम दुआ करते हैं खुदाया हमें अली की मोहब्बत के साये में मौत देना और इस हाल में मौत देना कि जिस हाल की तरफ सादी ने इशारा करके कहा था, मुहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल बवद फातिमा अंदरा बर के गुल चु इतरश बरामद हुसैनो हसन मुअत्तर शुदा ज़वै ज़मीनो ज़मन। आओ हुब्बे अली को सीने से लगाएं, अगर इस्लाम की मार्फत चाहते हैं तो अली की मार्फत पैदा करें, इस्लाम की मार्फत चाहते हैं तो सैयदना अली से मोहब्बत करें, इस्लाम की मार्फत चाहते हैं तो खानदान रिसालत से मोहब्बत पैदा करें। जब तक हमारी मोहब्बत खानदान रिसालत से नहीं होगी, हमारे ईमान का हर दावा मर्दूद होगा, बातिल होगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मुस्तदरिक हाकिम में रिवायत है जिसको अलामा ज़हबी ने भी सही करार दिया है। फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कोई शख्स खाने काबे के पास जिक्र करे, नमाजें पढ़े, एतकाफ बैठे, रोजे रखे और सारे काम वो हरमैन शरीफैन में भी रहकर करे, लेकिन उस शख्स का हर अमल मर्दूद है जिस शख्स के दिल में हुब्बे आले नबी नहीं है, जिस शख्स के दिल में हुब्बे आले बैत नहीं है।